श्री राजा राम इंटर कॉलेज तैयारी कराकर जौनपुर। प्रिय बच्चों, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। तो देखिए, हम लोग कल मुंशी प्रेमचंद की जीवनी पढ़े, आज उनका जो पाठ है मंत्र, उसको पढ़ेंगे। वही हरा भरा मैदान था, वही सुनहरी चांदनी, एक निःशब्द संगीत की भांति प्रकृति पर छाई हुई थी। वही मित्र समाज था, वही मनोरंजन के सामान, मगर जहाँ हास्य की ध्वनि थी, वहाँ अब करुण क्रंदन और अश्रु प्रवाह था।
तीसरा प्रश्न है, चांदनी के निःशब्द संगीत के छाने का आशय स्पष्ट कीजिए। चौथा प्रश्न है, प्रकृति पर क्या छाई हुई थी। देखिए, मान लीजिए परीक्षा में यही गद्यांश आ गया कि वही हरा भरा मैदान था, वही सुनहरी चांदनी एक निःशब्द संगीत की भांति प्रकृति पर छाई हुई थी, वही मित्र समाज था, वही मनोरंजन के सामान थे, मगर जहां हास्य की ध्वनि थी वहां करुण कंदन और अश्रु प्रवाह था। इसमें रेखांकित अंश है कि वही मनोरंजन के सामान थे मगर जहां हास्य की ध्वनि थी वहां करुण कंदन और अश्रु प्रवाह था। तो इसमें प्रश्न है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ सुनिए, तो पहले हेडिंग आप देंगे, उत्तर उत्तर में लिखेंगे फर्स्ट, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य खंड के मंत्र नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं, ठीक है। संदर्भ एक बार फिर ध्यान से सुनिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य खंड के मंत्र नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। दूसरा उत्तर आपका होगा, हेडिंग देंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। अब रेखांकित अंश की व्याख्या सुनिए। लेखक कह रहा है कि उत्सव के लिए जो भी वहाँ मनोरंजन के सामान एकत्र थे वे अभी भी विद्यमान थे, परंतु सब कुछ होते हुए भी क्षण भर में ही वहाँ सब कुछ परिवर्तित हो गया। अभी जहाँ लोग प्रसन्नता में थे वहाँ शोक का वातावरण छा गया, या वहाँ शोक का वातावरण हो गया।
लोगों की हंसी, रोने की दुखद ध्वनि में बदल गई। मनोरंजन के वही साधन अब चारों ओर की प्राकृतिक, मनोरंजन के वही साधन और चारों ओर की प्राकृतिक छटा अब लोगों के दुख में वृद्धि कर रही थी। जहाँ भी कुछ समय पूर्व हास्य का सागर उमड़ रहा था, वहाँ अब लगातार लोगों के आँखों से आँसुओं की धाराएं बह रही थी। ठीक है, रेखांकितन की व्याख्या एक बार फिर सुनिए कि लेखक का कहना है कि डॉक्टर साहब के बंगले पर या वहाँ उत्सव के लिए जो भी मनोरंजन के सामान थे, मनोरंजन के साधन थे, अभी भी विद्यमान थे, लेकिन सब कुछ होते हुए भी क्षण भर में ही सब कुछ वहाँ परिवर्तित हो गया। जहाँ लोग प्रसन्नता में थे, खुशी में थे, वहाँ शोक का वातावरण छा गया। लोगों की हंसी रोने की दुखद ध्वनि में बदल गई। मनोरंजन के वही साधन और चारों ओर की वहाँ की प्राकृतिक छटा अब लोगों के दुख में वृद्धि कर रही थी। जहाँ अभी कुछ समय पहले हास्य का सागर उमड़ रहा था, वहाँ लगातार लोगों की आँखों से आंसुओं की धाराएं बह रही थी। ठीक, यह हो गया आपके रेखांकितंस की व्याख्या। फिर तीसरा प्रश्न है कि चांदनी के निःशब्द संगीत के छाने का आशय स्पष्ट कीजिए। तीसरे का उत्तर सुनिए। चांदनी के निःशब्द संगीत के छाने का आशय यह है कि सब ओर मन को आनंदित करने वाली चांदनी छिटक रही थी तथा सब तरफ शांति छाई हुई थी। चांदनी के निःशब्द संगीत के छाने का तात्पर्य यही है, छाने का आशय यही है कि सब ओर मन को आनंदित करने वाली, प्रसन्नचित करने वाली वहाँ चांदनी छिटक रही थी तथा सब ओर शांति ही शांति छाई हुई थी। चौथा प्रश्न है कि प्रकृति पर क्या छाई हुई थी, इसका उत्तर सुनिए। प्रकृति पर वहाँ सुनहरी चांदनी संगीत की भांत छाई हुई थी। ठीक है, प्रकृति पर वहाँ सुनहरी चांदनी संगीत की भांत छाई हुई थी।